बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सर सऊद। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 सेकंड सेल सीरीज एक्सरसाइज नंबर 6.4 स्टार्ट कराऊंगा और पेज नंबर है 180 पर मौजूद है एक्सरसाइज। और आज हम इस वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना सीखेंगे। सवाल लिखा हुआ नजर आ रहा है, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग जीपीस, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। पहला पार्ट, आपके पास एक जीपी गिवन है और अब इसका मैं डेटा मालूम करता हूं। तो फर्स्ट हम आपको बताएं कि ए इज इक्वल टू 7 होगा बेटा, कॉमन रेशियो निकालेंगे, सेकेंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, 21/7, तो ये 3 हो जाएगा, 7 इज 21। अब इंडिकेटेड टर्म क्या बोल रहा है, 6 टर्म मालूम करो, n की कीमत कितनी हो गई 6। आपने जनरल टर्म फॉर्मूला पढ़ा है, tn इज इक्वल टू ar की पावर n माइनस 1। ये तमाम डेटा पुट करें और सिंपलीफाई करें। देखो भाई, n की जगह 6 आएगा, a 7 आ गया, r 3 आ गया, 6 माइनस 1। आपने डायरेक्ट कैलकुलेटर में पुट करके सिंपलीफाई कर लेना है। तो देखिए, 7 इंटू 17 t6 इज इक्वल टू 17.01। कैलकुलेटर में डायरेक्ट पुट करें, सिंपलीफाई करें, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही मैं आपको एक और जो है पार्ट सॉल्व करा रहा हूं। इसके मुख्तलिफ पार्ट्स मैं आपको सॉल्व करा दूंगा, बाकी आप एज असाइनमेंट एज होमवर्क खुद कीजिएगा। तो अब इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। अब देखिएगा बेटा, हम इसका पार्ट नंबर मैं 5th डिस्कस कर रहा हूं आपसे, जिसमें 6 पेरिटम माइनस 3 1 होल नंबर 1/2 और nth टर्म मालूम कर रही हूं, ये tn मालूम कर रहा है। अब देखते हैं जनाब कि किस तरीके से इसको कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन की हेडिंग डालते हैं, फर्स्ट टर्म a 6 के बराबर हो गई, r निकालेंगे, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, माइनस 3/6, 6 माइनस 1/2 आ जाएगा और n के बराबर है। अब आप फॉर्मूला लगाइए, tn इज इक्वल टू a r की पावर n माइनस 1। ये तमाम डेटा फॉर्मूले के अंदर पुट करें, सिंपलीफाई करें, n तो n रहेगा, a 6 रहा, r माइनस 1/2 और n माइनस 1। ये n माइनस 1 पावर सॉल्व नहीं हो सकती, तो यही आपकी nth टर्म का रिजल्ट आ जाएगा। नोट डाउन स्टूडेंट्स, इसके बाद एक पार्ट और सॉल्व कर लेते हैं। तो जनाब, इसका पार्ट नंबर एक मैं 9th आपसे डिस्कस कर रहा हूं, जरा देखिएगा। 9th पार्ट है 1/√2 माइनस 2 4√2 और अप टू 15th टर्म। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं,
सबसे पहले हम सॉल्यूशन की हेडिंग डालते हैं, फर्स्ट टर्म आपके पास ये मौजूद है a इज इक्वल टू वन अपॉन रूट टू, ठीक है। अच्छा अब आप चाहें तो इसको रेशनलाइज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। अगर रेशनलाइज करना है तो मल्टीप्लाई करें रूट टू अपॉन रूट टू से, तो बेटे a इज इक्वल टू क्या हो गया रूट टू, और सेम रूट टू पे कराएंगे तो टू आ जाएगा, से ये a आ गया। अब r निकालिए, r कॉमन रेशो सेकंड को फर्स्ट डिवाइड करेंगे, माइनस टू ओवर ये वन अपॉन रूट टू, ये फ्रैक्शन नीचे फ्रैक्शन रिवर्स हो जाएगी, तो r इज इक्वल टू माइनस टू रूट टू हो गया। और n क्या है आपके पास 15 टर्म। अब आपने क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है tn इज इक्वल टू a r की पावर n माइनस वन t 15। अब देखिए a की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूं रूट टू ओवर टू, और r की जगह माइनस टू रूट टू और 15 माइनस वन। अच्छा 15 माइनस वन, अब मजीद सॉल्यूशन इसका यहां पे कर रहे थे, 15 माइनस वन 4 हो जाएगा, t 15 इज इक्वल टू रूट टू ओवर टू और माइनस टू रूट टू इसकी पावर 14। 14 क्या है, इवन नंबर है, इवन से माइनस प्लस बन गया, तो t 15 रूट टू अपॉन टू टू रूट टू इसकी पावर 14। अच्छा अब आप ये चाहे तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये 14 को इसके ऊपर और इसके ऊपर ब्रेक कर ले तो बेटा देखिए t 15 इज इक्वल टू रूट टू अपॉन टू टू की पावर 14 मल्टीप्लाई, देखो 2 की पावर रूट, रूट का मतलब 1 अपॉन 2, तो पावर से पावर टकरा जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 14 अपॉन 2 2 7 जा 14। अच्छा अब जरा और से देखिएगा, t 15 इज इक्वल टू ये 2 रूट 2 ऐसे ना 2 की पावर प्लस 1 ऊपर चले जाएगी, तो रूट 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर माइनस 1। देखिए सेम बेस मल्टीप्लाई करें पावर ऐड होएगी तो टी 15 का रिजल्ट आ जाएगा रूट 2 ये वाला। अब 2 इनकी पावर ऐड करके लिखे, देखें 7 माइनस 1 6 6 और 14 20, तो 2 की पावर 20 होगी। अब ये मजीद सिंप्लीफाई अभी नहीं हो सकता, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, नो डाउट कर लिए स्टूडेंट्स। इसके साथ ही स्टूडेंट्स आज का वीडियो लेक्चर हम अख्तिताम करते हैं। आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट सॉल्व किए हैं 6.4 के। इंशाल्लाह ताला नए वीडियो लेक्चर में मैं नए सवाल का सोल्यूशन लेके हाजिर होऊंगा, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।